दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं वेलकम करता हूं अपने नए व्लॉग में आपको। हम जा रहे हैं उलारची, जो हमारा रूटीन होता है, लेकिन आज बारिश बहुत है, जो साइक्लोन के असरात हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, साइक्लोन तो इतना नहीं हुआ यहाँ पे, जो आना था, जो इफेक्ट बता रहे थे, मीडिया रिपोर्ट कर रही थी या मौसम खाते वाले बता रहे थे, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बारिश हुई है। और सामने एक देखें, ये लाइव स्टॉक जा रहा है, ये जानवर जा रहे हैं, ये थर पार कर जा रहे हैं, थर का लाइव स्टॉक है, वहाँ पे बारिश हुई है तो ये लोग जा रहे हैं। एमरजेंसी अभी भी लागू है, देख रहे हैं गाड़ियाँ एमरजेंसी में जा रही हैं। तो दोस्तों, बारिश बड़ी ख़तरनाक हद तक चल रही है, और आज के इस विजिट में मैं हूँ और हनुमान भाई साहब हैं, गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और चल रही हैं गुलाची की तरफ। आज एक डेलीगेशन आ रहा है, उसका वेट है, हो सकता है शाम 4 बजे, सुन रहे हैं कि 4 बजे तक आ जाएंगे, उनके साथ विज़िट करना है, क्योंकि जो कैंप्स लगी हुई हैं रिलीफ कैंप, वो विज़िट करना चाहता है, वो एक डोनर है। तो फिलहाल चलते हैं गुलारची की तरफ और फिर देखते हैं किस टाइम आते हैं, फिर उनको विज़िट करवाएंगे। जानवर ये भी खड़े हुए हैं बेचारे, बारिश में परेशान है धूप की वजह से। ये देखें, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि साइक्लोन तो चलो नहीं आया अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके असरात तो अभी भी हैं, और असरात ये हैं कि वो बारिश ही बारिश है, रात से ये बारिश शुरू है, अभी तक रुकी नहीं है। अब देखें कितना टाइम ये चलती है बारिश। दोस्तों, बारिश कंटिन्यूसली जारी है और चल रही है, ये तो रात से ही जारी है, अब कितनी देर चलती है कुछ पता नहीं, लेकिन ये है कि पूरा एरिया देखिए आप, पानी पानी हो गया है, ये साइडें सारी ये देखें पानी पानी हो गया है। और यहाँ पे है तो स्लो स्लो बारिश, लेकिन मुसलसल जारी है, तो उस वजह से यहाँ पे पूरा एरिया पानी पानी हो गया है, और रोड भी आप देख लें पानी से भरे हुए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम गुलारची की तरफ जा रहे हैं, बारिश थोड़ी तेज़ होती जा रही है, लग रहा है कि इस तरफ बारिश थोड़ी ज़्यादा है, यानी थोड़ी तेज़ है, और बदीन की तरफ थोड़ी बारिश कम फील हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये बारिश बढ़ रही है। दोस्तों, हम अभी गए थे आर्मी स्कूल में विज़िट करने, वहाँ पे एक IDP कैंप लगी हुई है, रिलीफ कैंप, तो वहाँ पे विज़िट करने गए थे, वहाँ पे हमें अलो नहीं था वीडियो बनाना या फोटोग्राफ वगैरह करना, लेकिन यहाँ में आया, लोगों को देखा मैंने, गरीब लोग हैं यकीनन, और सी साइड के लोग हैं, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कैंप जैसी लाइफ गुजारना बहुत ही मुश्किल लाइफ है। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम, जाहिर सी बात है, हमारे घर तो इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे अच्छा स्कूल बना हुआ है और अच्छी रिहाइश भी है, लेकिन जो वो इन्वायरमेंट है हमारी, जो हमें लाइफ फील होती है, वो यहाँ पे हमें फील नहीं हो रही, यहाँ पे पता नहीं क्यों हमें घुटन सी महसूस हो रही है। तो यकीन इंसान की जो अपनी नेचर, जो नेचुरल लाइफ है, वो उसमें कम्फर्टेबल फील करता है, बनस्बत किसी कैंप या ऐसे जगह पर रहे जहाँ पर रहना शायद मुश्किल है। वो तो बारिश का पानी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एरिया पानी पानी हो गया है, क्योंकि मुसलसल बारिश जो बरस रही है उस वजह से पूरा एरिया पानी पानी हो गया है, देख रहे हैं आप, सिचुएशन बड़ी ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि पानी तो है। बारिश अभी भी जारी है। दोस्तों, ये गुलारची है और आप देख रहे हैं बारिश मुसलसल जारी है, बड़ी तेज़ी से बारिश चल रही है, कोई कमी नहीं आई बारिश में, ये शहर पूरा पानी से भरा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये है गुलारची सिटी, ये देखें पानी पानी, पूरा एरिया पानी पानी है।
दोस्तों शाम हो चुकी है और हमारी अभी वापसी है मदीन की तरफ। हम गए थे मुख्तलिफ कैंप्स पे, वहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन ये है कि वो अभी वापसी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी बारिश भी थम गई है, बस हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बाहर भी। दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, आज एक बंदा बड़ा मूड में है, ये देख। मौसम की तरह ये भी खिल गया है भाई, बारिश की मौसम जैसे पत्ते खिला देते हैं ना, इस तरह से ये भी खिल गया। सफर लंबा है और उसके साथ साथ गर्मी, मौसम भी ठंडा है, मौसम ठंडा ये बात करें, गर्मी टूट गई, एसी भी हमारा आज काम कर रहा है। एसी आज काम कर रहा है, शायद ठंड की वजह से काम कर रहा है भाई, ये तो मुझे भी पता नहीं। चलो इसी बहाने एसी तो काम कर रहा है, कोई भी हो कुछ भी हो, लेकिन मतलब हम ठंड में रह रहे हैं, ये सुकून है बस, ये अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।